गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर थर्ड का टॉपिक है ये। फर्टिलाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मैच्योर मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कि मैच्योर मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं और जायगॉट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर मेल गैमेट्स स्पर्म और फीमेल गैमेट्स ओवम या ओसाइट, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और इनके फ्यूजन के थ्रू एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको कि जायगॉट कहा जाता है। यहाँ जो नॉर्मल साइट है जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर नॉर्मली इन एम्पलरी रीजन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। यह है फेलोपियन ट्यूब, इसके जो एम्पलरी पोर्शन होता है ये, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, हाउ फर्टिलाइजेशन अकर, किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, इसमें कुछ इवेंट्स हैं। सबसे फर्स्ट है ए ट्रांसपोर्ट, चूँकि जो शुक्राणु है उसको फीमेल ट्रैक्ट में एंटर करना है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, जिसमें कि 200 to 300 million ऑफ स्पर्मेटोजोआ डिपोजिट्स इन दी फीमेल जेनाइटल ट्रैक, मतलब इतने अधिक अमाउंट में जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डिपोजिट किए जाते हैं, जिसमें से केवल 300 to 500 विच इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, केवल उसमें से 300 to 500 ही फर्टिलाइजेशन की साइट पर पहुंच पाते हैं। फर्टिलाइजेशन जो कि एम्पलरी फेलोपियन ट्यूब में होगा, आउट ऑफ देम ओनली वन इज़ नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। इन 300 to 500 में से भी केवल ओनली वन जो स्पर्म होगा वही फर्टिलाइजेशन में यूज़ में आएगा, वही फर्टिलाइज करेगा ओवम को। अदर हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट है इसमें, इसी में ही ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, किस प्रकार से ओवम ट्रांसपोर्ट होते हैं। द ओवम इज ट्रांसपोर्ट टू द एम्पलरी रीजन ऑफ द, ये एक और डायग्राम जिसमें हम बहुत ही अच्छी तरह से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जिसमें ये जो पोर्शन है वो यूट्रस है, और ये है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के आगे की तरफ इस तरह उंगलीनुमा उभार होते हैं जिसको कि एम्पलोरिया कहते हैं, और यहाँ पर एक छोटे से स्टॉक की सहायता से ये ओवरी इस प्रकार से यहाँ पर रहती हैं, और ओवरी जिसमें कि विभिन्न जो प्रवस्थाएँ अंडाणु के निर्माण की, ओसाइट की फॉर्मेशन की, वो इस ओवरी के अंदर हम देख सकते हैं। यहाँ से एक डेवलपिंग ओवम जो है वो ओसाइट, यहाँ इसका ओवुलेशन हो गया है और ये यहाँ पर आ गया है। इसके अंदर विभिन्न जो आउटर लेयर है फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा फॉर्म, जैसे कि कोरोना रेडिएटा, जोना पैलेसिडा आदि, इसके चारों तरफ दिखाई दे रही है, और इसी कंडीशन में यहाँ पर जो ये फेलोपियन ट्यूब है इसके इस पोर्शन पे, यहाँ हम छोटे छोटे ये जो है स्पर्म्स भी, शुक्राणु भी देख पा रहे हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन के पश्चात यहाँ जायगॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये डिफरेंट डेज दिखा रखे हैं यहाँ पे, डे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो यहाँ पर ये क्लीवेज स्टार्ट हो चुका है। इसके पश्चात यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट, अर्लियर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो गया है, रेडिएटा, जोना पैलोसिटा का फॉर्मेशन हो गया है, और यहाँ ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन में एट से नाइन्थ डे में ये यहाँ पर इम्प्लांट हो गया है, उसको प्रदर्शित करता हुआ, ये एक बहुत ही साफ अच्छा चित्र है। ये एक और चित्र, क्योंकि जो शुक्राणु है वो अंडाणु तक पहुँच जाते हैं, अभी हमने पढ़ा कि 300 to 500 जो शुक्राणु होते हैं वो फर्टिलाइजेशन की साइट पे पहुँचते हैं, लेकिन एक ही जो शुक्राणु है वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। अब इतने जो शुक्राणु हैं या पॉलीस्पर्मिया से कैसे रोका जाए इस एक एग को, तो यहाँ कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे सबसे पहला बाइंडिंग ऑफ
स्पर्म टू जोना पेलुसिडा। जो शुक्राणु होता है वो सबसे पहले जो जोना पेलुसिडा होता है उसके साथ बाइंड करता है, उसके पश्चात एक्रोसोम रिएक्शन होती है। एक्रोसोम रिएक्शन के फलस्वरूप जो एक्रोसोम होता है वो, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, एक्रोसोमल कंटेंट होते हैं जो कि सिक्रीट कर दिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पेनिट्रेशन थ्रू जोना पेलुसिडा। इसके पश्चात वो जोना पेलुसिडा के थ्रू, ये जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है, ये है येलो वाली जो लाइन है, ये जोना पेलुसिडा है, ये एग मेम्ब्रेन है, ये येलो जो दिखाई दे रही है जोना पेलुसिडा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एग की, और ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये इस तरह से चारों तरफ। तो थर्ड स्टेप होता है पेनिट्रेशन थ्रू जोना पेलुसिडा। ये एक्रोसोम रिएक्शन करने के पश्चात ये जोना पेलुसिडा के साथ पेनिट्रेट कर रहा है, उसके पश्चात फ्यूज़न ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज़ करती है एक साथ। फ्यूज़न के पश्चात स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स एग साइटोप्लाज्म। ये जो शुक्राणु का जो न्यूक्लियस है वो इस साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है। तो ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं ये फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप होती है। सबसे फर्स्ट बाइंड करेगा फॉलिकुलर सेल्स के साथ या जोना पेलुसिडा के साथ, यहाँ ये जोना पेलुसिडा के साथ आ गया। उसके बाद यहाँ इसके जो हेड पे एक्रोसोम है वो बाहर निकलेगा, रिएक्शन होगी जिसके फलस्वरूप ये अंदर की तरफ इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ होगी, और इस कंडीशन में ये इस अपने जो न्यूक्लियस है उसको अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में छोड़ देगा। ओवेरियन ट्यूब द यूजुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ हम जो स्टेप पढ़ रहे थे, कैपिसिएशन ऑफ एक्रोसोम रिएक्शन। अब यहाँ एक्रोसोम रिएक्शन जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, अपॉन अराइवल एट द फीमेल जेनाइटल ट्रैक द स्पर्मेटोजोआ आर नॉट केपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द ओसाइट अंटिल दे आर कंडीशनड बाय कैपिसिएशन एंड एक्रोसोम रिएक्शन ऑफ स्पर्म। बैरियर पेनिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर ये सेकेंड स्टेप है बी, जिसमें थ्री फेज होती है। पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, द कोरोना रेडिएटा सेल्स आर डिस्पर्स बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ स्पर्म एंड ट्यूबुलर म्यूकोसल एंजाइम। कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा है, द क्यूमुलस ओफेगस सेल्स विच आर डिस्चार्ज विद ओवम एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन रीअरेंज देमसेल्व्स अराउंड जोना पेलुसिडा एंड फॉर्म कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा, इट इज़ पेनिट्रेट बाय द स्पर्म विद द एड ऑफ एंजाइम रिलीज फ्रॉम इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। व्हेन फर्स्ट स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओसाइट सरफेस जोना रिएक्शन अकर टू प्रिवेंट फर्दर एंटर ऑफ स्पर्म। एक्रोसोम के द्वारा जोना पेलुसिडा के साथ पेनिट्रेट किया जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट स्पर्म जो भी इस लेयर तक पहुंच जाता है, इस आवरण तक पहुंच जाता है, वो एक्रोसोम के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ बाकी जो दूसरे स्पर्म है उसके लिए ब्लॉकेज कर दिया जाता है या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना दी जाती है। जोना रिएक्शन, चेंज इन परमेबिलिटी ऑफ जोना पेलुसिडा बाय लाइसोसोम एंजाइम इज कॉल्ड जोना रिएक्शन। थर्ड स्टेप, फ्यूजन ऑफ ओसाइट स्पर्म सेल मेम्ब्रेन व्हेन स्पर्म टच ओसाइट सेल। जैसे ही ये इसके साथ टच होगा और इसकी दोनों की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाएगी, जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये एक एक्वेटिक एनिमल सी अर्चिन का एग है, जिसमें कि ये जेली कोट है और यहाँ पर ये एक्रोसोम है जो कि इसमें पेनिट्रेट हो रहा है। एक इस तरह की संरचना, एक्रोसोम रिएक्शन हो रही है और इसके एक्रोसोम वाले पोर्शन के वजह से यहाँ पर ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये यहाँ पर आकर व्यवस्थित हो गए हैं और यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया है। ये एक जो शुक्राणु है इसका जो न्यूक्लियस है वो अंदर चला गया है, उसके पश्चात यहाँ पूरी की पूरी मेम्ब्रेन जो है एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेंगी, जिससे और जो फर्दर शुक्राणु है उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये एक और डायग्राम जिसमें कि जो जोना पेलुसिडा है उसमें कुछ थ्योरीज हैं, जिसमें कि ZP3, ZP2 और ZP1 उपस्थित होते हैं, ये क्रॉस ब्रिज बनाते हैं।
और इनके द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट से अटैच रहते हैं। जैसे ही जो शुक्राणु होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होता है, न्यूक्लियस अंदर चला जाता है और ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं यहाँ पर, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के द्वारा एक लेयर बना ली जाती है। और लास्टली ये थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं, जिससे जोना पेलिसिडा के यहाँ से कोई दूसरा जो शुक्राणु होता है वो एंटर नहीं कर पाता है। ये इस प्रकार से एक मॉडिफाइड ZP3 का फॉर्मेशन हो जाता है, अल्टर्ड जोना पेलिसिडा। ये है क्लीव्ड ZP2, यहाँ से ये ZP2 है वो क्लीव्ड बिल्कुल चुरे टुकड़ों में टूट जाते हैं, क्योंकि जो इसका शुक्राणु का जो न्यूक्लियस है वो एंटर कर चुका है और यहाँ पर जोना पेलिसिडा में चेंजेस आ गए हैं उसके स्ट्रक्चर में। ZP2 टूट के हट चुका है, क्लीव्ड हो चुका है और ये मॉडिफाइड हो गए हैं, इस वजह से अब अन्य जो शुक्राणु इसमें एंटर्स नहीं कर पाएंगे। दिस फ्यूज़न अकर्स क्लीविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिहाइंड हेड एंड टेल ऑफ द स्पर्म एंटर्स द साइटोप्लाज्म ऑफ ओसाइट बैरियर दैट स्पर्म क्रॉसेस। यहाँ कुछ बैरियर जैसे कि कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलिसिडा है और ओसाइट की सेल मेम्ब्रेन है, ये सब बैरियर रहते हैं जो कि शुक्राणु को स्पर्म को पार करने होते हैं। एज सून एज द स्पर्मेटोजोआ हैज़ एंटर्ड द ओसाइट द एग रिस्पॉन्स इन 3 डिफरेंट वेज। इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो इस प्रकार है, कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शन, रिसेप्शन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ द एग। ये इनके प्रोसेस हैं। यहाँ हम देखते हैं ये सब प्रोसेस होने के पश्चात, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होने के पश्चात और न्यूक्लियस, स्पर्म के न्यूक्लियस के एंटर करने के पश्चात जो प्रो न्यूक्लियस होते हैं वो फॉर्मेशन होते हैं। इन फीमेल आफ्टर द फ्यूज़न ऑफ सेल मेम्ब्रेन द ओसाइट कम्प्लीट्स इट्स सेकेंड मियोटिक डिवीज़न। यहाँ सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है। वन ऑफ द 2 डॉटर सेल्स फॉर्म फीमेल प्रो न्यूक्लियाई, इन मेल न्यूक्लियस फॉर्म्स द हेड ऑफ द स्पर्म बिकॉज स्वेलन टू फॉर्म मेल प्रो न्यूक्लियाई। Then replication of DNA. This occurs in both pronuclei during their formation. या mitotic division. क्या होता है कि दोनों जो सेल हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती है और उनके जो न्यूक्लियस मटीरियल है क्रोमोजोम वो आकर बद्धे भी व्यवस्थित हो जाते हैं और द pronuclei meet their न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर एंड क्रोमोजोम्स अरेंज इन डिस्टिंक्ट मैनर फॉर द पर्पस ऑफ नॉर्मल मियोटिक माइटोटिक डिवीज़न। ये हम देख सकते हैं इनमें माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है, 23-23 के जोड़े बना लिए गए हैं और कैपेसिएशन एंड एक्रोसोम रिएक्शन जो हम पढ़ चुके हैं और इसकी वजह से ये यहाँ पर डिवीज़न हो जाएगा। यहाँ पर अब चूँकि ये जायगॉट है, इनमें जो विभाजन होता है माइटोटिक डिवीज़न इस प्रकार से ना होकर क्लीवेज जो होता है उस प्रकार की प्रक्रिया होती है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। ये हैप्लॉइड एग है, ये स्पर्म है, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर हो जाती है और ये सेंट्रियोल विभाजित हो जाता है, क्योंकि एक जो सेंट्रियोल होते हैं वो स्पर्म से प्राप्त होते हैं। ये क्रोमोसोम है जो कि अरेंज होते हैं इस प्रकार से और यहाँ पर इनमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। यहाँ कुछ जो और अगर हम रिएक्शन पढ़ें, द एक्रोसोम रिएक्शन, इट इज़ अ रिएक्शन करेक्टराइज बाय मॉर्फोलॉजिकली मल्टीपल पॉइंट ऑफ फ्यूज़न बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्रोसोमल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। दिस फ्यूज़न परमिट रिलीजेज ऑफ एक्रोसोमल कंटेन, क्योंकि जो एक्रोसोम के कंटेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि उस मेम्ब्रेन पे वर्क करते हैं जोना पेलिसिडा पे उसमें से पास आउट होने के लिए। अब जो फैक्टर्स या रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें हाफ मदर से प्राप्त होते हैं और हाफ फादर से, डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स, इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज, कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ फीमेल गैमेट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द एम्ब्रियो, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म्स इनटू द ओवम बाय जोना पेलिसिडा। ये रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है, जैसे कि एक्रोसोम रिएक्शन किस प्रकार से होती है, क्या फैक्टर्स हैं, फर्टिलाइजेशन किस पर डिपेंड करता है
और फैक्टर फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन आदि बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। और ये इनफर्टिलिटी जो कि हम एक अलग वीडियो बनाएंगे उसमें, यहाँ कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक्स है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी एक अलग टॉपिक है जिसको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। अब फेट ऑफ जायगोट, जो जायगोट है उसका फेट क्या रहता है, आगे उसमें क्या क्या होता है। तो जो जायगोट है उसमें सेल डिवीज़न होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है क्रोमोसोम मटेरियल हाफ डिवाइड होंगे और वो विभिन्न प्रकार के विभाजन करेंगे, जिसमें कि टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, लेकिन वो क्लीवेज होने की वजह से ये सेपरेट नहीं होंगे, इनकी जो मेम्ब्रेन है बाहर उपस्थित रहेंगी और ये इस प्रकार से विभिन्न डिवीज़न करके ब्लास्टोसिस्ट बना के ये इम्प्लांट होंगे यूट्रस के अंदर। तो ये तो फैट है जो कि हम क्लीवेज के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्लीवेज है। थैंक यू।